त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां चारों चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चली है, वहीं पहले और दूसरे चरण के प्रचार कार्य जोरों पर है। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने इलाकों में भीषण गर्मी के बावजूद प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इसी बीच जिला प्रशासन भी इन चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए कोई कोर कसर रखने के मूड में नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण लगातार सभी तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर उसे तुरंत सही करने का निर्देश संबंधित कोषांगों के पदाधिकारियों को दे रहे हैं। इसी क्रम में सेक्टर दंडाधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण किया सिंह ने शनिवार को न्यू टाउन हॉल में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को त्रुटि रहित स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का प्रशिक्षण किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 झारखंड के तहत लोहरदगा जिले में ट्रेनिंग सेल के नोडल ऑफिसर उप विकास आयुक्त महोदया के निर्देश के आलोक में आज लोहरदगा जिले के टाउन हॉल में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सभी पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त लोहरदगा, अनुमंडल पदाधिकारी लोहरदगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोहरदगा, हमारे मास्टर ट्रेनर अरुण कुमार राम जी, विनोद कुमार सिंह जी एवं ट्रेनिंग कोषांग के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों का चुनाव के दरमियान क्या क्या होना चाहिए, उस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से दी जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।